नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एससी एसटी एक्ट के विरोध में सवर्णों के भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सूबे के कई इलाकों में सुबह से ही सवर्ण सेना के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने कहीं ट्रेन रोकी तो कहीं सड़क यातायात को बाधित किया। पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल के पास सवर्ण सेना के समर्थकों ने ट्रेन रोककर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जहां बाद दरभंगा और लखीसराय में भी सवर्ण सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। अलग अलग जगहों पर सवर्ण सेना के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और उन पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी बांधी हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सवर्ण सेना का प्रदर्शन जारी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद का आह्वान सवर्ण सेना की तरफ से किया गया है एससी एसटी एक्ट के विरोध में, और इसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर, जहानाबाद, दरभंगा, लखीसराय के साथ ही कई और जगहों पर भी गाड़ियां रोकी गई, नारेबाजी की गई सरकार के खिलाफ जमकर। ये तस्वीरें आप देखिए, धरना प्रदर्शन किया गया है और पुलिस ने इन समर्थकों पर, इन कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए डंडों का किस तरह से इस्तेमाल किया है, ये भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि काफी वक्त से ये मांग चली आ रही है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है वो जाति के आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर हो, और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सवर्ण सेना के ये लोग। लगातार अपनी मांगों के पक्ष में और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आम लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है। हालांकि मिला जुला असर देखने को मिला है। भारत बंद के विरोध में एक बंद हुआ है। सवर्ण सेना ने भारत बंद, या यूं कहें कि बिहार बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के खिलाफ एक बंद है और यहां पर बिहार की राजधानी पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेल रोका गया है। ये बताइए, आज दलित संगठनों का विरोध है, आज भारत बंद है, आप क्या कह रहे हैं सवर्ण दलित संगठनों का विरोध वापस ले लिया गया है। जैसा मुझे सूचना है आज सवर्ण सेना के द्वारा पूरे बिहार में चक्का जाम है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम रहे, जो केंद्र सरकार हमारे बोर्ड को इस्तेमाल करके ये जो काला कानून को पारित करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में जो अध्यादेश ला रही है, हम उसके खिलाफ में है। हम हरजन नगर के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन उसमें जांच होनी चाहिए। किसी को आप गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दोगे, ये कौन सा दुख बनता है? तो ये संसद से पास भी हो चुका है। पास हो चुका है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। 2019 में आज भारत बंद के खिलाफ में आपका बंद है? हाँ बिल्कुल, हम खिलाफ में बंद है, अपने हक के लिए बंद है। और अगर केंद्र सरकार का काम नहीं खुलता है, पूरे इस देश के नौजवान, पूरे सवर्ण समाज के नौजवान, इस देश के नौजवान, सवर्ण सेना का नौजवान। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रेन को रोका गया है तो ये पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हैं। आप ये बताइए चौबे जी, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ पर ट्रेन रुकी है, हटा रहे हैं लोगों, मूव करा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ लगे हुए हैं। आज भारत बंद का आह्वान जो दलित संगठनों ने किया है, तो भारत बंद के खिलाफ ये बंद है। हालांकि भारत बंद जिसको लेकर दलित संगठनों ने जो आह्वान किया था, वो मांग कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किए थे उसके खिलाफ जो संशोधन है वो देश की संसद ने पारित कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं दलित समर्थन या दलित विरोध के नाम पर, या एससी एसटी एक्ट समर्थन और विरोध के नाम पर केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एक तरफ बंद हुआ जब 2 अप्रैल को एससी एसटी एक्ट को लेकर के, उस बंद के खिलाफ भी 10 अप्रैल को बंद हुआ था, और आज दलित संगठनों ने बंद का आह्वान किया तो इस बंद के खिलाफ भी एक बंद हुआ है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रूपेश कुमार, न्यूज 18 पटना।